टू माई यूट्यूब चैनल। मैं कल्पना आज आपको फिर से मशरूम की फार्म में लेके आई हूँ, मेरी प्रोडक्शन रूम में। और आज मैंने क्या क्या, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी सेकंड बेस्ट थी इस ये वाली रोब जो, तो मैंने आज इसको साफ़ कर दिया क्योंकि इसके बैग जो है प्रोडक्शन पूरा टोटली निकल चुका था और ये फेंकने के लिए तैयार हो चुका था, तो मैंने आज इसको निकाल दिया। आइए, मैंने निकाल तो दिया दोस्तों, तो उसको मैं फिर रिसाइकल यूज़ करूँगी। तो वो क्या करूँगी आपको दिखाती हूँ और कैसे करूँगी ये भी बताती हूँ, चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है सारे बैग्स को और इसे मैं फिर यूज़ करूँगी भर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए। और भर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए हमें ये जो मशरूम की जो बैग्स हैं, यानी कि इसके अंदर की जो स्ट्रॉ है उसको, और अगर गोबर को आप मिक्स करके छोड़ दोगे तो उसके भर्मी कंपोस्ट के बेड पे, तो ये 40-50 दिन के बाद भर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद उसे आप अपने खेती में भी यूज़ कर सकते हो और मार्केटिंग भी कर सकते हो, आप जिसे चाहिए वो आपसे ख़रीद भी सकते हैं। तो इस तरह से भी आप मशरूम की बैग से दुगने उत्पादन कर सकते हो। आइए मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर और एक प्रॉब्लम हुई है मेरी, वो भी बताती हूँ। ये सारे बैग्स मैंने पुराने हो गए मेरे, और इसके बाद मैं लेके चलती हूँ आगे। यहाँ पे मेरा करीबन 20-25 बैग हैं दोस्तों। ये बताती हूँ मैं इसको कि मैंने इसे क्यों ऐसा रखा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्रीन मोल आ चुकी है दोस्तों। ये देखिए, इसमें ग्रीन मोल आ चुकी है। और मशरूम की खेती जो भी करें बहुत ही सावधानी और साफ़ सुथरी ढंग से करें, क्योंकि ग्रीन मोल को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये हवा में भी रहती है दोस्तों, और ये साफ़ सुथरी ना होने की वजह से तो हुई नहीं है, ये एक्चुअली वेदर सूटेबल नहीं हुआ होगा शायद, या तो कहीं स्ट्रो में गंदगी रहेगी होगी, मुझे पता नहीं। तो इससे सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, इस बैग में जैसे ही मशरूम की बैग्स में आपको अगर ग्रीन मोल दिखे तो इसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इसके वो जैसा है उसे वैसा ही रखना चाहिए, तो ये फैलता नहीं है और वो जहाँ रहता है वहीं पे रुक जाता है। इसे अगर आप खोलोगे, इसको यहाँ से स्क्रैप करके अगर फेंकोगे बाहर, तो ये क्या होता है कि फैल जाएगा, पूरा मशरूम के प्रोडक्शन रूम में फैल जाता है दोस्तों। तो इस बैग को मैं इसे कुछ नहीं करने वाली हूँ, शाम को सिर्फ इसकी गड्ढा खोद करके इसको इसके अंदर ज़मीन के अंदर डाल दूंगी, बस उतना ही काम है, क्योंकि ग्रीन मोल कभी हम लोग उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी मेरे किसान भाई बहन हैं या कोई भी दोस्त है वो अगर मशरूम की खेती कर रहा है तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान जरूर देना। और आगे लेके चलती हूँ कि मैंने भर्मी कंपोस्ट बेड कहाँ और कैसे तैयार किया है। आज ही मेरे हस्बैंड ने उसे लगाया है मुझे, वो भर्मी कंपोस्ट का बेड जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मुझे मिला था 2 पीस, तो मैंने 1 पीस ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, आज लगा दी मैंने, और दिखाती हूँ। आइए देखिए दोस्तों, आइए मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे भर्मी कंपोस्ट के बेड पे। ये देखिए, अभी तक इसमें मैंने डाला नहीं, लेकिन आज शाम को हम दोनों मिलकर इसको डालेंगे और इसको भर्ती करेंगे, और ऊपर से फिर गोबर डाल करके और पानी डाल दूँगी और इसको रख दूँगी। इसमें छत भी नहीं लगाए दोस्तों, ऊपर छत लगाना बाकी है अभी, क्योंकि सुबह ही काम हुआ है, हम दोनों ने काम किया, तो इसी वजह से बस इतना ही दिखा रही हूँ। और आगे फिर शाम को बताती हूँ कि भर्मी कंपोस्ट की टंकी कैसे फुल होगी। हाय दोस्तों, कल तो हमारे काम अचानक से बंद हो गए दोस्तों, क्योंकि बारिश आ चुकी थी तो हम काम कर नहीं पाए दोस्तों। तो आज हम लोगों ने सारा दिन काम कर लिया, और आज मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से हमने भर्मी कंपोस्ट के बेड को तैयारी की। ये देखिए दोस्तों, इस पर सारी स्ट्रॉ जो फ्लावर्स निकल गए थे मेरे मशरूम के बैग्स, वो इसको उसको मैंने इस तरह से यहाँ पे निकाल निकाल के रखा हुआ है। और कल से मैं फिर गोबर कलेक्शन करूँगी और इसको यहाँ पे डालूँगी, और उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद इसको मिक्स करके फिर यहाँ पे ढेर सारा 1-1.5 किलो केचुए लेके डालूँगी। तो फिर हर एक सप्ताह के बाद इसमें पानी छिड़केंगे, और इस तरह से 40 दिन या 50 दिन के बाद
यहाँ पे हमारा वर्मी कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। और इसी के साथ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स को कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। बाय।